हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक स्टडी। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ स्पेशल मल्टीप्लिकेशन। ओके, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है -2/26 माइनस, फिर माइनस है -1/26। तो देखिए आंस ऊपर वाले को बोलते हैं, हर नीचे वाले को बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो इसमें एलसीएम क्या हो जाएगा 26, यहाँ लिखेंगे 26। अब देखिए ओवरऑल यहाँ करना क्या है, -2, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वन करेंगे, ओवरऑल -1/26। नेक्स्ट वीडियो में देखिए यहाँ अगर करें तो इसको एक स्टेप बढ़ा देते हैं थोड़ा, 7/10 प्लस 3/10, ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 10। अब देखिए 7 + 3 क्या हो जाएगा 10/10, तो ये अगर कट जाएगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 1, ये आपका आंसर। नेक्स्ट का बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, देखिए 4/19 -3/19, इसमें भी एलसीएम क्या हो जाएगा 19, तो 1 × 4 कितना हो जाएगा 4, माइनस फिर 1 × 3 तो कितना हो जाएगा 3, तो ओवरऑल 1/19, ये आपका आंसर। नेक्स्ट अगर बात करें देखिए ये दोनों में एलसीएम क्या आएगा 11, ओके, तो 5 - 1 तो हो जाएगा 4/11, ये आपका आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है -21/11 माइनस, फिर -25/33, तो इसको सबसे पहले सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, तो -21/11 +25/33, हमने बताया था कि माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या होगा प्लस, तो अब देखिए ये दोनों को एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 33, ओके। तो देखिए 3 × 11 बन जाए 33, कितना टाइम्स में 3 टाइम्स में, तो 3 × -21 तो हो जाएगा -63 + 25, ओके। अब देखिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करेंगे, देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इसके बाद -38/33, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का, तो देखिए 3/18 माइनस, फिर -5/27, सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे 3/18 +5/27, तो देखिए ये दोनों को सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ओके। तो एलसीएम हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं, रब कर लेते हैं, यहाँ देखिए 18 और 27, सबसे पहले हम लोग इसको 9 से दे देते हैं 2 और 3, तो देखिए 9 × 2 × 3 कितना हो गया 54, तो ओवरऑल यहाँ एलसीएम हम लोग लिखेंगे 54। अब 18 × 1 में 54 कितना टाइम्स में आता है 3 टाइम्स में, तो 3 × 3 कितना हो गया 9, और 27 × 1 में 2 टाइम्स में 2 × 5 = 10, तो ओवरऑल यहाँ लिखेंगे 19/54, ओके, ये हमने रफ यूज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 7 का, देखिए क्वेश्चन है -6/21 -3/7, सबसे पहले ये दोनों को हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो देखिए एलसीएम हम लोग निकालते हैं 21 फिर यहाँ 7, तो यहाँ देखिए कोई भी यहाँ 7 से अगर दे दें तो 3 यहाँ लिखेंगे, इसके बाद 1, तो 7 × 3 कितना हो जाएगा 21, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 21। इसके बाद देखिए -6 फिर हो जाएगा -9, तो ओवरऑल माइनस, देखिए ये दोनों को ऐड करेंगे तो -15/21, ये नंबर देखिए 3 से कटेगा, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं -5/7, ओके, ये आपका आंसर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 8 का, देखिए ये हमने रफ यूज़ किया, ओके। देखिए सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में करेंगे 11 × 2 कितना हो गया 22 + 6, तो 28/11 माइनस, देखिए
66 और यहाँ 67 बाय 22। ये दोनों को एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 22। तो ओवरऑल यहाँ लिखेंगे 22। अब देखिए 2 इंटू 28 तो कितना हो जाएगा 56 माइनस 67। ओके तो देखिए कितना हो जाएगा माइनस 11 बाय 22। इसको हम लोग काट सकते हैं तो लिखेंगे माइनस 1 बाय 2। ये आपका आंसर। आशा करता हूँ आपको लोग को समझ में आया होगा।